क्या नाम है आपका? हमारा नाम तीर्थराज है। कहाँ रहने वाले? आजमपुर ग्राम, आजमपुर पोस्ट, आजमपुर जिला, आजमगढ़। क्या मामला है इसका? यही लड़ाई झगड़े का मामला है सर जी। किससे लड़ाई झगड़ा हुआ? हमारी चाची हैं पड़ोस की, उनसे। क्या है मामला? क्या था, क्यों लड़ाई हुई? मामला यही है सर जी कि रास्ते को लेते आने जाने पे गाली गलौज देती हैं, और वहाँ हमारा भाई का 12, ये घटना 12 तारीख की बात है। सुबह 7 बजे हम सोए थे, हमारा भाई नहाने जा रहा था, तो वो लोग रास्ते के लिए, फिर उसको, वो जा रहा था रास्ते पे, फिर उसको गाली गलौज लोग दी। फिर वो वहाँ पे बोला कि हमें क्यों गाली तुम लोग दे रहे हो, तो इसी बात पे तू तुम हमें हुआ उन लोगों में। फिर हम बाहर निकले, देख रहे झगड़ा हो रहा है, तो लोग लाठी डंडे लेके यहाँ भाई को हमारे मारने आ रही हैं। फिर हम वीडियो बनाने लगे, हम कहे भैया ठीक है तुम लोग मार लो देख लो, हम वीडियो बना रहे हैं। फिर ये लोग गाली गलौज दे रहे थे इसको, फिर हमारा बीच छोटा वाला भाई उन लोगों से डंडे उनके हाथ में से छीनने लगा। फिर उनको उसको सब गिरा के लगी मारने। उनकी 8 बेटियां हैं, उनका नाम है सुनीता देवी, उनकी 8 बेटियां हैं, वो लोग उसको मारने लगे। फिर वहाँ पे हमारा बीच वाला भाई के हाथ में डंडे लेके, फिर वो मारा नहीं, उन लोगों के सामने जैसे ही खड़ा हुआ उसका मार के सर, वो लोग मार के फोड़ दिए उसका। फिर हम भी वहाँ पे भाग के गए, हमें भी वो लोग मारे, हमारे पीठ पे डंडे से मारे, हमारे पैर पे मारे। वही मारने के बाद सर जी, फिर हम अपने भाई को उठा के कंदरापुर थाने पे लेके गए। थाने पे लेके जाने के बाद फिर वहाँ से हमें बोला कि जाइए आप लोग मेडिकल करवाइए पहले, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। फिर हम लोग यहाँ सदर आए अपने भाई को लेके, हम भी आए, हम लोग भी पुलिस लेके आए भाई को लेके, थाने से हमारे भाई को लेके पुलिस आई। फिर यहाँ से इनका मेडिकल वगैरह हुआ हमारे भाई का। फिर थाने से आए थे वो, क्या नाम है उनका, एक कांस्टेबल हैं ललन यादव करके हैं, वो आए थे। फिर सर आए थे, फिर वो मेडिकल यहाँ से उसका लेके गए। फिर हम लोगों को भी चोट लगी थी, हम लोग भी एडमिट हुए। फिर हम लोगों का भी मेडिकल हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ हम लोग अपना, हमारी बहन है छोटी, उसका नाम है संजू, वो थाने पे गई, हमारा जो है कि अप्लीकेशन भी डलवाई कि हमारे घर के भी लोग घायल, उन लोगों को चोट लगी है, हमारा भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अप्लीकेशन दिया तो वहाँ पे हमारा कोई सुनवाई भी नहीं हुआ, हमारा वहाँ पे कोई मेडिकल भी नहीं मिल रहा है, और हमारा कोई कहीं नहीं सुनवाई हो रहा है सर जी। क्या चाहते हैं आप? क्या उधर से मुकदमा दर्ज हो गया? क्या मुकदमा उधर से सर जी दर्ज हो गया है? हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना हमारा कोई वहाँ पे एप्लीकेशन लिया जा रहा है, ना कोई हमारा मेडिकल का पता चल रहा है। वो ललन यादव करके, वो हमारा तीनों, हमारे माता जी का, हमारा भाई का, हमारा लेके गए थे मेडिकल, हमारा वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, बोले यहाँ दिया ही नहीं गया है, थाने से ऐसा बोला जा रहा है। जावेद सर हैं, कुछ पहले महीने पहले कुछ झगड़ा रास्ते के लेके हुआ था, तो उसमें हमारा भाई का नाम धीरज है, तो उसका झगड़ा हुआ था, तो थाने पे चल पुलिस आई थी, उठा ले गई थी। फिर वहाँ 151 में उसका चालान लोग कर दिए थे। फिर हम लोग जमानत करवा के घर पे उसको लेके चले आए।